हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नई सी रेसिपी जिसका नाम है मेदू वड़ा। तो वैसे हम इसको शिवरात्रि के ओकेजन पर बनाते हैं, आप वैसे भी बना सकते हो स्नैक्स के लिए। मैंने इसको जो है हरी चटनी के साथ सर्व किया है। मेदू वड़े के लिए मैंने जो है बिना छिलके वाली उड़द की दाल ली है, जिसको हम माँ की दाल भी बोलते हैं। इसको हमने रात भर भिगोने को रखा था। सॉरी, मैं आप साथ वो वीडियो शेयर नहीं कर पाई। जब ये सॉफ्ट सी होगी तो मैंने इसको ग्राइंड कर दिया। आप चाहो तो सिल पट्टी पर भी कर सकते हो, उससे टेस्ट अच्छा आता है। इसका बैटर जो है थोड़ा थिक ही रहना चाहिए, अगर पतला हो तो बनता नहीं अच्छे से। और इसमें मैंने ऐड किए हैं हरी मिर्च, हरा धनिया, हल्दी, नमक, और आप चाहो तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हो और बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हो। इन वड़ों को जो है हमने डीप फ्राई करना है। जब तक कि इनका कलर जो है गोल्डन सा नहीं हो जाता तब तक हमने ये फ्राई करते ही रहना है, जैसे हम पकौड़े फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। वड़ा बनाने के लिए पहले हम हथेली में जो है पानी लगाएंगे, फिर उसमें डाल देंगे वड़े का आटा, उसको करेंगे गोल बढ़िया से, और हाथ में फिर से पानी लगाकर उस पर जो वड़े का आटा है उस पर स्प्रेड करेंगे बढ़िया से हथेली पर, और इसको गोल से शेप दे देंगे। पानी हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो बड़ा है आसानी से हाथ से निकल सके। अगर हम हाथ में पानी नहीं लगाएंगे तो ये जो बड़े का आटा है वो हाथ में ही चिपक जाएगा, इसलिए हम जो है पानी लगाते हैं ताकि ये अच्छे से निकल सके। देखने में बहुत ही कुरकुरे से लग रहे हैं, करंची से, देखो कितनी आवाज़ भी आ रही है, क्रंची क्रंची सी। ये हमारे वड़े हैं तैयार, आप भी घर पर ट्राई करना और बताना कि कैसे बने हैं आपके वड़े। आप इनको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो, पुदीने की चटनी या केचप के साथ। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।